अस्सलाम वालेकुम, खबर की दुनिया से मैं हूँ उस्मान अमान। नजर डालेंगे दुनिया हेडलाइंस पर। वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक सदर जरदारी ने थरकोल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया, 2017 तक मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमती कमेटी ने तालिबान से मुजाकरात के लिए कमेटी बनाने की अपील कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2013 पर रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश, एमकेएम तहरीक इंसाफ और जेयूआई के इख्तलाफी नोट्स भी शामिल। कराची में पीराबाद, फेडरल बी एरिया और सोहराब गोट में दस्ती बम हमले, 3 अफराद जख्मी। सिटी कोर्ट माल खाने में धमाके से सब इंस्पेक्टर जख्मी। पुरतशद्दुद वाकयात में 3 अफराद हलाक। गद्दारी केस में मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट पर फैसला महफूज, अकरम शेख कहते हैं खुसूसी अदालत मुशर्रफ को हाजिरी से इस्तिस्ना नहीं दे सकती। थाईलैंड में आम इंतखाबात करीब आते ही ऑपोजिशन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया, वजीर आजम शेनावत्रा से इस्तीफे का मुतालबा। स्पेन में फार्मूला 1 कार रेस की तैयारियां उरूज पर, आजमाइशी रेस के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर की गाड़ी खराब। दुनिया हेडलाइंस आपने देखी, यहां आपको एक अहम खबर दें। इमरान खान से हुकूमती मुजाकराती टीम के अरकान ने मुलाकात की है, मुलाकात करने वालों में